नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और एक बहुत बड़ी अपडेट है राजस्थान को लेकर। राजस्थान रीट का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जैसे कि कल इंद्र देवता ने तूफान के साथ बारिश जो है वो लेकर राजस्थान को जो है एक बहुत सुहाने मौसम में जो है बदल दिया था, उसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी रीट के विद्यार्थी जो बहुत दिनों से रीट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उसे घोषित कर दिया है। बिना कोई आपका समय व्यर्थ किए मैं सीधे आपको रिजल्ट की तरफ ले चलता हूं। रिजल्ट में आप स्वयं से देख लीजिए, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपको RSMSSB की वेबसाइट पर जाना है, नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट आप क्लिक करेंगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। जल्दी से इस रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं और उन सभी विद्यार्थियों का जिनका रिजल्ट में नंबर है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसे डिग्निटी परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। और आपका जो अब भविष्य है वो एक शिक्षक के रूप में बहुत आगे बढ़े, ऐसी हमारी कामना है। अब देखिए यहां पर आपका दिया गया है बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 कक्षा 1 से लेवल 1 जो है सीधी भर्ती के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा जो है के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल वन का रिजल्ट आया। याद रखिएगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए पद कितने थे, देखिए टोटल पद आपके 19,133 थे, जिसमें नॉन TSP एरिया का था आपका 17,563 और TSP एरिया के थे 1,570। ठीक है, तो ये तो टोटल जो आपके पद हैं उसकी संख्या दी गई है, टोटल पद आपके कितने थे 19,131 है ना। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। भाई यहां पर बताया गया कि 16-12 जारी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित थे, उसके बाद परीक्षा जो है 25-2-2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में की गई थी। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे रिजल्ट में, ये आपका सबसे पहले जो है सामान्य शिक्षा जो है यहां पर देखिए अलग अलग जो है सामान्य शिक्षा के पद हैं 19,133, विशेष शिक्षा MR के 1,085, विशेष शिक्षा VI के 240, विशेष शिक्षा HI के 542। कुल पदों की बात करें तो टोटल है आपके 21,000 है ना। अब देखिए यहां पर आपका ये सामान्य शिक्षा जो है उसका दिया गया है गैर अनुसूचित क्षेत्र का, मतलब नॉन TSP एरिया का, ये आपके रोल नंबर दिए गए हैं। और जिनका भी ये रोल नंबर है उन सभी को फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका अथक प्रयास जो है वो अब रंग लाने वाला है। अब आपके जीवन की जो अभी तक कठिनाइयां थी, अब वो कठिनाइयां मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी समाप्त हो गई, लेकिन अब आप उनसे लड़ने के लिए सक्षम हो गए हैं। तो ये आपका जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके लिए आपका जो है ये रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप इस PDF को आराम से स्वयं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा रोल नंबर्स है जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप आराम से अपना रोल नंबर यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद हम सीधे चलते हैं, इस रोल नंबर को और आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि आपकी जो ये PDF है 147 पन्ने की है। भाई पदों की संख्या अगर 21,000 है तो स्वाभाविक बात है PDF जो है उसकी भी संख्या तो बढ़ेगी है कि नहीं। तो ये देखिए ये आपका पूरा जो है ये रोल नंबर्स दिए गए हैं, आप सभी अपने रोल नंबर्स को बड़े आसान से धैर्यता के साथ है ना स्वयं से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई रश नहीं है, वेबसाइट आराम से चल रही है ना। और ये बहुत कम होता है ऐसा कि जब रिजल्ट आता है और तब वेबसाइट बहुत आराम से चले। मैं सीधे आपको कट ऑफ की तरफ ले चलता हूं, आपका ये है कट ऑफ। ठीक है, और जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में बनाया था, वीडियो में आपको बताया था कि कट ऑफ जो है कितनी रहने वाली है, अब आपके सामने वो पूरा पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो जनरल की कट ऑफ गई है वो कट ऑफ आपकी जो पुरुष है उनकी गई है 186.9188, महिलाओं की भी लगभग बराबर ही गई है। आप स्वयं यहां पर देखें एकदम एग्जैक्ट महिलाओं की भी जनरल में बराबर गई है। WD आपका जो है उनकी कट ऑफ बहुत कम गई है 59.63 और DV आपका जो है DV की 149 है, ESM की 18 है। ठीक है, ये तो जनरल की है। SC की अगर जनरल की बात की जाए तो 157 है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 29 नंबर का अंतर है जनरल और SC में। जैसा कि हमने बताया था पुरानी वीडियोस में कि अच्छा खासा गैप रहने वाला है, वो यहां पर दिख रहा है। जनरल और SC के बीच में लगभग आपका 29 से 30 नंबर का अंतर है। SC के बाद आपकी ST की कट ऑफ है, ST की आपका 143 है, इसमें और ज्यादा अंतर क्रिएट हो गया है, लगभग आपका जो है 34 नंबर से ज्यादा आ चुका
चुका है। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का 175 है और आपका यहां जनरल की अगर बात की जाए तो जनरल का 186, मतलब ओबीसी और जनरल में लगभग आपका जो है 11 नंबर का अंतर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 11 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, तो 11 नंबर का आपका जो अंतर है वो ओबीसी में है। उसके बाद एमबीसी की अगर बात की जाए तो 172 गई है, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 166 है, तो ईडब्ल्यूएस में भी अच्छा खासा आपका जो है एक गैप है, लगभग 20 नंबर का गैप है 186 और 166 में। और उसके बाद आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी कट ऑफ अलग गई है आपकी 160, 93, 47, 11। उसके बाद आपका जो अनुसूचित क्षेत्र है, टीएसपी एरियाज हैं, उनकी कट ऑफ अलग से ये दी गई है। इसे ये देखिए, आप यहां पर अपने रोल नंबर आराम से फाइंड कर लीजिएगा, डिजिट से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम और नीचे चले तो देखिए क्या है, अलग अलग पोस्टें हैं तो अलग अलग कट ऑफ दी गई है। ये आपकी अलग अलग कट ऑफ देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरह से सामान्य शिक्षा की कितनी गई है, विशेष शिक्षा की कितनी गई है। अब यहां पर सबसे विशेष ये है कि आपका बोर्ड ने यह भी बताया है कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं। यहां पर दिया गया है, देखिए करंट आपका जो है उसमें आपका 51 से 90 के बीच में कौन सा क्वेश्चन डिलीट है, इंग्लिश में आपका कौन सा क्वेश्चन डिलीट है 91 से 113 के बीच में, जनरल साइंस में कौन सा क्वेश्चन डिलीट है, आईटी के बीच में कौन से जैसे 149, 150 ये क्वेश्चन डिलीट हैं। इसका मतलब जो पेपर्स में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसका फायदा जो है वो विद्यार्थियों को मिला होगा, 110% मिला होगा, तो ये आपका यहां पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो है याचिका संख्या भी दी गई है कि कौन कौन सी याचिका यहां पर है, और ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुरूप। इन याचिकाओं में सम्मिलित जो अभ्यर्थी हैं उनके परिणाम को सील बंद रखा गया है, इसका मतलब जिन्होंने रिट लगाई थी उनके, ये आप देख लीजिएगा आपका याचिका नंबर होगा अगर आपने याचिका लगाई है, तो यहां पर दिया हुआ है कि भाई आपका जो है अभी जो रिजल्ट है वो सील बंद है, मतलब वो यहां पर आपको मिलेगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है ये एक बहुत बड़ी अगर देखा जाए तो एक खुशखबरी है लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थियों के लिए जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आपका सिलेक्शन हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।